भाई सब लोग के लिए लियो 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 What's up guys, welcome back to another vlog. I hope tumhara zabardast hai, chindiya mummutiya agarbattiya khirak new sab zabardast, public ekdam zabardast. Mera to khali awaaz baithe bhi aa rahi hai, bol to kal jo hai so VCD ka jo grand final was subah 5 baje tak chala aur Fnatic jeeti, meri awaaz ki amma behan ho gayi yaar, but thodi awaaz tumko aisa bhari lagengi isme. To aaj ka vlog kya hai bol to, hum na jaane wale hain. Sabse pehle plan aisa tha, plan ki amma behan hogi, ek plan on hai. मैं जोकर भाई एमसी स्टैन के कॉन्सर्ट में जाने वाले, मजा आने वाला है वहां पे, हम दोनों जाने वाले. और एक प्लान ये था कि मैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं बाल बढ़ा रहा हूँ, अपनी दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपना लुक चेंज करना चाह रहा था. जोकर भाई का जो हेयरस्टाइलिस्ट है ना, जो पुट्टा जो बाला वाला काटता, तो शायद मेरा एक अपॉइंटमेंट था, तो उसको मिलकर पूरा मेरे को बताने का था कि क्या कर सकते हैं अपन अपने चेहरे पे, क्या चेंज कर सकते हैं लुक है ना, और क्या चेंज कर सकते हैं. तो वो सब डिस्कशन आज होना था, बट अभी 4 बज रहे, मेरे को जोकर भाई के वहां जाना है, 5:30 बजेंगे, फिर वहां से उसको मिलना होता नहीं होता, क्योंकि 7 बजे कॉन्सर्ट चालू है. आज का ब्लॉग मतलब एकदम फुल निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा तुरंत मेरे को, फास्ट फास्ट, कि बोलता जरा सा भी लेट हो गया तो 19:20 हो जाता, कॉन्सर्ट मिस हो जाता और ये भी मिस हो जाता. अब देखेंगे क्या होता. अपन आज पहने हुए वो जे वॉकिंग से जो अपन टी शर्ट लिए थे ब्लैक कलर का, वो पहने से, और वो पैंट्स पहना है, शूज पहना डंक्स. तो थोड़ा समझ रहे, कॉन्सर्ट में जा रहे, थोड़ा एस्थेटिक बनना ना. अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ कमेंट करके जरूर बताओ. निकल रहा हूँ यार, क्या आगे अपनी जबरदस्त व्लॉग होने वाला है, फुल एनर्जी के साथ. एक दिन प्यार, फिर दूसरे दिन मार, फिर तीसरे दिन जा, फिर चौथे दिन आ, पीछे मजा आने वाला है, कॉन्सर्ट में जाने वाले, लेट्स गो. तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक स्किन केयर टिप अपनी शेयर करने जा रहा हूँ. अपना स्किन का हेल्दी रखने के लिए, स्किन फ्रेश रखने के लिए सबसे मेन रहता है अपना फेस वॉश. तो फेस वॉश है ना, एक तो सबसे बहुत डिफिकल्ट टास्क है ढूंढना कौन सा अच्छा है तुम्हारी स्किन के लिए, कौन सा अच्छा नहीं है. एंड है ना, मेरे को एक प्रॉब्लम आ रहा, जब भी मैं फेस वॉश यूज करता हूँ उसके बाद मेरी स्किन पूरी ड्राई हो जाती है. इसको हटाने के लिए, प्रॉब्लम हटाने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि ऑयली क्रीम्स यूज करो या मॉइस्चराइजर, को भी अलग अलग तरीके की यूज करो, बट स्किन को कौन सा सेट होता समझ में नहीं आता, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. बट ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सेवियर है अपना मामाअर्थ एरो. मामाअर्थ ने अपने को 2 प्रोडक्ट्स भेजे, हनी मलाई फेस मॉइस्चराइजर और हनी मलाई फेस वॉश एरो. हनी और जो ये मलाई है ना, दोनों रिच इंग्रेडिएंट्स है यार, अपने फेस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं. इट जेंटली क्लेंजेस ऑफ ऑल द डर्ट एंड ग्राइम विदाउट मेकिंग मी फील वरीड अबाउट ड्राइनेस पोस्ट वॉश. इट रादर इम्पार्ट्स ऑल द गुडनेस ऑफ हनी एंड मलाई, मेकिंग माई स्किन फील स्मूथ, लाइट एंड ग्लोइंग. द क्रीमी टेक्सचर डेवलप्स इनटू लाइट फोम दैट जेंटली क्लेंजेस द स्किन. पल्स द गुडनेस ऑफ हनी हेल्प प्योरिफाइज द स्किन एंड मलाई हेल्प्स इट स्मूदन इट. एंड पोस्ट द वॉश टू कीप द स्किन मॉइस्चराइज, आई कैन अगेन बी अश्योर्ड ऑफ ऑल द नेचुरल गुडनेस ऑफ हनी एंड मलाई इन एन ऑयल फ्री फॉर्मूला with the newly launched Mamaearth's honey malai oil free moisturizer. Now that's a new one, isn't it? Mostly people think honey and malai are all chip chip, but not with this formulation. This is moisturizing at the same time keeps oiliness at the bay and imparts all the goodness of the most loved kitchen ingredients. तो गाइस अगर आप लोगों को भी ये प्रोडक्ट्स बाय करने का है, तो आप लोग ये प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं Amazon, Nykaa, Flipkart और Mamaearth के ऐप से. आ रहा हूं Mamaearth के ऐप में आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं snacks2023 और डिस्काउंट मिलेगा. अगर आप घर पे ही है, आसपास के स्टोर्स में भी चेक करो, आपको Mamaearth का प्रोडक्ट मिल जाता है. लिए 2 घंटे कैब में परेशान होने के बाद सोया भी थोड़ा, पता नहीं पहली बार कैब में पावर नैप लिया मैं, मेरे को ऐसा नींद नहीं आती, बट सो गया फाइनली 2 घंटे की राइड के बाद. संडे है यार, आज संडे के दिन भी 2-2 घंटे आ रहा हूँ कैब में लग रहा है इनके घर को पहुँचने के लिए. अब फाइनली पहुँचा यार मैं, चिच्चा को बुलाया, अब उन रेडी होके आता, उसको टाइम लगता है, मैंने जरा समझ रहे लगा लगा के. तो अभी हम जा रहे हैं हाकिम आलम, इनके हेयर स्टाइल हाकिम अली आलम भाई. अस्सलाम वालेकुम आलम भाई, हेलमेट बाजू में जा रहे हैं, इधर ही अपनी बाहर से लेने गए. अस्सलाम वालेकुम, आगे भाई. तो हम जा रहे हैं इनके चाचा के हेयर स्टाइलिस्ट के पास, वहाँ पे जाके पहले अपॉइंटमेंट लेना है. ये चाचा अपॉइंटमेंट नहीं लिए, आलसी इंसान, हाकिम आलिम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं. तो यारो अल्फात भाई से हम लोग बाल कटाने आए थे, बट अल्फात भाई तो मिले नहीं. अरे इसका नाम क्या था बंदे का? अल्ताफ. अरे नहीं, इसका अल्ताफ है. तो अपने वरुण धवन वाला पुट्टा मेरा बोलता है, मोहम्मद सिराज के काट के आया मैं बाल. अभी चिच्चा वहीं बैठे हुए चिल कर रहे हैं, उनके साथ कटाया नहीं आ रहा, क्योंकि चिच्चा का जो बंदा है ना उसका नाम अल्फाद है, और लास्ट टाइम मैं जो कराया था अल्ताफ था, तुम लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगा. वो भाई बैठे उनके साथ नहीं करा रहा हूँ, अभी चिच्चा के बंदे से करा रहा हूँ. तो 6:30 का अपॉइंटमेंट लिया, आधी घंटे का टाइम है, 7 बजे हम लोग को निकलना है. मैं बस्ती थी अल्ताफ भाई. इनके चैलेंज की वजह बाल की तो अम्मा बहन करा दिया ये बंदा, बाल तो अब घंटा भी कुछ नहीं. एक सेकंड मेरे वजह से कुछ ना, तू बोल मैं बोलता हूँ, तू बोल फिर मैं बात करूंगा. बाला बाला तो बैगन में मिल गया, सोचा था कि थोड़ा मेकओवर कराएंगे, कैंसिल हो गया. मैं बोलता हूँ कैंसिल हो गया इसकी वजह से, इसके चैलेंज की वजह से लेट हो गया. चैलेंज बेहतरीन शुरू हुआ, बट आज बालों का सीन खत्म, आज सीधा अभी कॉन्सर्ट में जाना पड़ेगा. अभी कॉन्सर्ट के लिए हम लोग ऑलरेडी लेट है,
सात बजे चालू है, अभी 6:50 हो रहे हैं, मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं, हो गया इसके लिए हो गया। अब मैं बताता तुम आपको, लेट मी कंटिन्यू। हुआ ये हवला मेरे को क्या बोला रात की स्ट्रीम पे कि 12 बजे मैं आ जाऊंगा, ठीक है 12 बजे इसको मैसेज डाला तो बोलता है कि 2:15 को मैं निकल रहा हूँ। जब 2:15 को निकलने बोला, नहीं नहीं आप खाएं, 2:15 को निकलने बोले तो बोलता है 15 मिनट में मेरी कैब आ रही है, बुक कर दिया हूँ। उसके बाद 3:15 को कॉल किया तो बोलते अरे चीचा रात में लेट सोया। मैं बोला अरे लेट सोया, लाउड लीड किस किस को सपोर्ट कर रहा है, केला तुम खाए, तुम्हारा शौक है। आ गया यारो फाइनली चीचा, आधी घंटा लेट ले गया अपने को, लकी लू ने आया नहीं अभी तक टाइम सच्ची बता रहा हूँ। एमसी स्टैंड के कॉन्सर्ट में हम लोग आए, सब लोग क्या बोल रहे हैं पता है, पहले बोलते जोकर स्नैक्स भाई, जोकर भाई क्या बंटाई माम पीछे बहुत मजा आने आ गया। यारो वीआईपी पास ले लिए, निकल रहे यारो, बोलो ना मेरी जान, आओ जल्दी ले लो, बहुत लोग मिल रहे हैं यारो, पास ले लिए, अभी जाएंगे अंदर सीधा अपने स्टैंड। जी अभी तक आए नहीं, कब आ रहे भाई? अरे अभी टाइम है क्या? आए आए स्टैंड बाय का क्रेज देखो, स्टैंड बाय का क्रेज देखो, खड्डे में से जाके रिकॉर्ड कर रहा है भाई, क्या चल रहा है? एक फोटो, एक फोटो, एक फोटो, एक सिंगल फोटो। क्या बोल रहे भाई? एक सिंगल फोटो। आ जाओ हाथ दिखा, मैं तो नहीं तो मैं तेरे घर पे 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 नहीं तो मैं तेरे घर प
तो एमसी स्टैंड के कॉन्सर्ट में से तो आ गया यार, लेजिट ऐसा लग रहा था कि हमारा मीटअप हो रहा वहाँ पे। बहुत पब्लिक आई, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स आए यार, रील्स वाले अपने इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स, स्टैंड अप कॉमेडी के अपने मुनावर भाई आए, फिर बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट आए, तीन चार लोग थे। मैं शिव भाई को जानता हूँ, बाकी उतना नहीं जानता था, तो सबसे मिले करे यार, और इनसेन इवेंट था, मज़ा आ गया। अच्छा करे हम ला गए, क्योंकि अपनी पब्लिक से मिलता ना यार बहुत खुशी होती। तो अभी है ना हम लोग खाने आए यार, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, इनको भी भूख लग रही, मेरे को भी भूख लग रही, डोसा खाने हैं। ऐसा डोसा खा खिला रहा हूँ, तारीफ करते हैं, तारीफ ऐसा, इसको बोलते हैं जीनी डोसा। ऐसा चिराग घस लेके निकलता, घर कर जीन में निकलता, जीन होना था चटनी में डुबाए तो जीन होना था, दिलवाता हूँ जीन, दिलवाता चटनी में डुबाए तो जीन निकलता। तो बाला एक चीचा, हम बालों की हालत, बाल आना ड्राई हो गए हम लोग का, जो भाग के गाड़ी कैसा चला रहा, ऐसी चलाते हैं। तो कैसा है कि यार हम लोग मतलब ऐसा भागना पड़ा ना हम लोगों को वहाँ से, पब्लिक छोड़ने का नाम बहुत पब्लिक यार, ऐसा स्कूटी पे आए थे, स्कूटी तक पहुँचने तक वाट लग गई थी भाई, भाग भाग के सिर क्या लिया, भाग भाग के तो है। और अभी खा लेंगे, निकल रहा हूँ मैं, कहाँ पे बोलते हो, अभी कृतिका की बर्थडे पार्टी है, दीदी का बर्थडे है, दीदी का बर्थडे हमारे, उनको विश करके खत्म करेंगे। और मेरे को जाना पड़ता, माजिन बीमार है, उसको बुखार है, तो मेरे को बच्चे के साथ भागना पड़ेगा, इसको मेरी तरफ से विश कर देना, कर देना मैडम को, हैप्पी बर्थडे कृतिका दीदी, बट माजिन इज नॉट वेल, डोसा का है, डोसा है, डोसा आ रहा है, आ रहा है, ना भाई जिन डोसा दे, जिन का है, जिन का है, आप है, क्या स्माइल है यार आपकी, माशाल्लाह एक नंबर, क्या बात है, क्या वाला टीका लगा के घुमा दो, घसना है इसको, ऐसा घसते है क्या, जीन आता है, दो घसो, हम खाना चालू करें, कर दे चालू, हाँ बोले, हाँ बोले, कर दे चढ़ाई, कर दे, कर दीजिए, कर दीजिए, आए बिहार से है भाई, यूपी से है लाला। That's it for the vlog guys, I hope आप लोगों को मजा आ रहेगा ये vlog, थोड़ा मैं अभी लाल लाल दिख रहा हूँ तुम्हारा, चेहरे पे कलर वाला लग गया, कल हम लोग जो कृतिका का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे वहाँ पे थोड़ा होली वाला सीन भी हो गया, होली का बैच टाइप, सब एक दूसरे को कलर लगा रहे थे, तो सबने कलर वलर लगा दिए, लाल लाल हो गए मेरे कान, वो बहुत क्रेजी पार्टी था यारो, तो वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं करा मैं ऑब्वियसली यारो, पर अपन कैसे इन्जॉय द मोमेंट वाले, किसी का मूवमेंट चल रहा तो फुल ऑन इन्जॉय करो, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा, बाकी मस्त एकदम वहाँ पे होली का वाइब था, बर्थडे सेलिब्रेट किए कृतिका का और फुल कलर वलर लगाए सब जने एक दूसरे को, क्रेजी वाइब था। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली गाइस, अपने फैमिली वालों के साथ, दोस्तों के साथ अच्छे से बनाओ, एंजॉय करो, चिल करो, एंड ये ब्लॉग अभी रात को जाने वाला है, शाम के 5 बजे मैं उठा, ब्लॉग एडिट किया, अब जा रहा हूँ। और ये ब्लॉग का कौन सा सबसे आपको बेस्ट मोमेंट लगा जरूर कमेंट करके बताना, बहुत मज़ा आया एमसी स्टैंड के कॉन्सर्ट में। एंड आप लोगों के पास अगर कोई चैलेंज वीडियोस के आपके पास आइडियाज़ है जो मेरे को करते हुए आप लोग देखना चाहेंगे तो ज़रूर बताना, मैं करूँगा, कमेंट करना और कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताना यारो। 1.43 मिलियन के बहुत करीब है अपन, प्लीज़ सब्सक्राइब मारो, क्या करना है तुम्हारा, एज यू गाइज नो द ड्रिल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लव यू गाइज, बाय बाय।